कॉलेज में छोड़, ये बताओ फेयरवेल में क्या पहनेंगे? यार मैं तो ना साड़ी पहन के आऊंगी, वो भी बैकलेस। सही कह रही है, मैं भी ना फुल स्लीव पहन के आऊंगी, मजा आ जाएगा। मतलब स्लीवलेस पहन के आएगी ना? और तू क्या पहनेगी? मैं तो ब्लैकलेस पहन कर आऊंगी। अबे वो ब्लैकलेस नहीं बैकलेस होता है। हाँ हाँ वही वही। सही है यार, ऐसे ही पहन कर आएंगे मस्त मस्त पटोला बनके। तेरी साड़ी का कलर कौन सा है? ऑरेंज सही रहेगा। हाँ सही है। नहीं पर ऑरेंज ना थोड़ा अलग सा लगेगा, ब्लू पहन आई हो। तू क्या पहनेगी? मैं देखती हूँ यार, मेरा अभी ना कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि मैं कौन से कलर की साड़ी पहन कर आऊंगी, पर ये इतना डिसाइड है कि ना मैं स्लीवलेस पहन कर आऊंगी। तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जैसे कि तुम्हारी फेयरवेल 10th Feb की अरेंज की गई है। सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, कोई भी लड़की बैकलेस ब्लाउज और स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनेगी। डोंट शो टू स्किन। एंड सारे बच्चे जो सारी गर्ल्स जो हैं डिसेंट लुक में आएंगी। किसी भी लड़की को मैंने बैकलेस या स्लीवलेस ब्लाउज में देखा तो उसको बस में एंट्री नहीं मिलेगी और उसको गेट से ही आउट कर दिया जाएगा। तुम अपने घर जाके कपड़े पहनना। यार ये तो अभी हम यही सोच रहे थे ना, अब क्या होगा। एंड बॉयज, तुम लोग कोई भी फटी हुई जीन्स पहन के नहीं आएगा। और ये जो अपने जो बटन खोल के घूमते हो ना, रोज एक बंद करो उसको। और कोई भी है ना बॉयज, अपने शर्ट के बटन ओपन नहीं रखेगा, अपने कॉलर के बटन भी बंद होने चाहिए। और जिसकी भी पैंट फटी हुई देखी है ना मैंने, उसकी तो पैंट में कैंची से कट कर दूंगी। और जो तुम्हारी फेयरवेल है ना, इस हेड गर्ल की वजह से ही अरेंज की गई है। जैसे कि तुम्हारी हालत है ना, इस साल तो तुम्हारी फेयरवेल होनी ही नहीं थी। शी ऑलवेज फॉलो द रूल। देखो इसको देख के कुछ सीखो, ओके? अंडरस्टैंड? मैम प्लीज स्लीवलेस तो अलाउ करो ना। नो आर्ग्यूमेंट्स। और कोई भी बंक मारने की सोचना भी मत। ऑल विल कम इन डिसेंट लुक, अदरवाइज योर फेयरवेल विल बी कैंसल। अंडरस्टूड? ओके मैम, जैसा आपने बोला वैसे करेंगे सब। ओके नाउ आई एम गोइंग। अरे हम तो आज ही बड़ी तो उस दिन ही करके आएंगे। मैं तो यार पट्टी पैंट आज ही पहन के आया, उस दिन ही पहनूंगा और पहनता रहूंगा। और मैम कह रही ना फाड़ दूंगी, फाड़ देगी फिर भी पहनूंगा मैं। और बटन ले, ये भी खोल देता हूँ, ले ये अंदर वाली भी खोल, ज़्यादा खोल रहा हूँ, ये भी खोल क्यों नहीं रही यार? तू अंदर की टी शर्ट बता, फाड़ देना। मैं तो क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मैं तो ऐसे ही आऊँगा। मेरी तो चेस्ट है तो मैं बटन खोल के ही आऊँगा। ऐसे आएगा जस्ट है, सपाट है सपाट। मेरी तो फटी पड़ी है। मैं पैंट की बात कर रहा हूँ भाइयों, पैंट की उस दिन भी पहन के आऊंगा यही वाली। मैं तो कटिंग बाजू पहन के आऊंगा, शोला का डोला। एक काम करते हैं, हेड गर्ल से बात करके देखते हैं। हाँ ये मना भी लेगी मैम को। हाँ मैम की चमची जो है ना, मैम इसके कहने पे मानेगी जरूर। तू हेड गर्ल है ना, मैम को प्लीज मना ले यार, एटलीस्ट स्लीवलेस के लिए मना ले। मैं क्यों मनाऊं? मैम मुझे डांटेगी। यार नहीं डांटेगी, कुछ नहीं होता, तेरी रेपुटेशन नहीं होगी खराब। यार 12 साल से तूने बना रखी है रेपुटेशन, क्या करना, लास्ट ईयर है, अब किसको पड़ी है तेरी रेपो की, छोड़ ना। हाँ और वैसे भी हेड गर्ल तो बन गई, अब कहाँ जाएगी, आसमान में जाएगी। और तुम हमारी क्लासमेट नहीं है प्लीज। हाँ प्लीज ना। चुप करो तुम, तुम्हारी मैनिपुलेशन में ना मैं नहीं आऊंगी। यार देख हम ना पहली बार वैक्सिंग करवाएंगे, दिखनी भी तो चाहिए ना, स्लीवलेस पहनेंगे जब भी तो दिखेगी। और उसका दर्द भी तो यू नो काम आना चाहिए थोड़ा। तू नहीं करवाएगी तो बना लेना मैम को। नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैम ने बोला है ना, इसलिए मैं सूट ही पहन के आऊंगी ताकि टंटाई खत्म हो। तू नहीं बनाएगी मैम को? नहीं पक्का। बाहर में ऐसे क्या करेंगे? अब वो करेंगे जो अभी हमें करना है। हमने डिसाइड किया था हम स्लीवलेस और वो बैकलेस पहनेंगे। अरे हमारे बिना फेयरवेल थोड़ी होगा। हाँ और जब मैम तेरे को बाहर निकालेंगे ना, जब तेरे को मजा आएगा। हाँ स्कूल से बाहर निकाल देगी, मेरे दरवाजे से कल्टी करने को बोलेगी। कुछ नहीं करेगी मैडम, देखते रहो। और वैसे भी मैं ना मम्मी पापा के साथ गाड़ी में आऊंगी, कैसे निकालती है बस से देखती हूँ मैम। सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। यार इतना अच्छा प्लान बनाया था, भला फैशन के बिना भी फेयरवेल होता है यार कोई। सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ ये बात तो तूने सही कही, वैसे कोमल को ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे बस बस शीला, डॉली तो चमचमा रही है आज। हाँ, और ये भी चमचमा रही है। हाँ बिल्कुल, तुम भी। अरे यार मैं तो परेशान होगी आज। क्या हो गया? अरे यार देख ना, बारिश को भी आज ही होना था। हमारी फेयरवेल वाले दिन मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई यार, और तुम्हें पता है ये मेरी मम्मी की साड़ी है। सही कह रही है यार, ड्रेस तो मेरी भी खराब हो गई है यार। सिर्फ तेरी साड़ी नहीं, मेरी साड़ी भी गंदी हो चुकी है आज। इसीलिए ना मैं साड़ी पहन के नहीं आई। देखो स्मार्ट ना मैं। हाँ, स्मार्ट तो तू बहुत है, लेकिन तुझसे ज्यादा सुंदर हम साड़ी वाली लड़कियाँ लग रही है। चलती है हमारी तरक्की से। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता चला कि शालू और पूजा फंस गयी। कैसे? कैसे? अरे पागल बंक पर थी, मतलब स्कूल की बस में बैठी और पता नहीं कहाँ उतर गई, बस वाले को ही नहीं पता चला और वो फंस गई अपने घर में। उसकी बहन नहीं है, 11th क्लास में है। उसने देखा उसकी बहन आई नहीं है स्कूल में, तो उसने फंसवा दिया अपने घर वालों को, बता दिया कि मम्मी दीदी नहीं आई। अच्छा हुआ, वो तो फंसनी भी चाहिए। सही है, हमने प्लान नहीं बनाया। हाँ यार सही करा हम लोग नहीं गए, और वैसे भी फेयरवेल ना स्कूल का लास्ट डे होता है, कैसे मिस कर सकते हैं इस दिन को हम। अरे छोड़ना, हम बहुत मजे करेंगे और डांस भी करेंगे। हाँ बहुत सारे डांस करेंगे आज तो। ऐसा करेंगे मैम का फोन लेके ना बहुत सारी फोटोज खींच लेंगे। वैसे गाइस फेयरवेल के बाद का क्या प्लान है तुम्हारा? मम्मी डांटती है। अरे चलो ना यार, तुम लोग भी चलो। नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, मैं फंस गई तो मम्मी बहुत मारेगी मुझे। मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम एक चीज दिखाऊं? हाँ मैं फोन लाई हूँ, और मैं अभी ना राहुल को कॉल करके बोल रही हूँ कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ना गाड़ी लेकर आते हैं, हम लोग घूमने चलेंगे। तो चलोगे तुम लोग? जल्दी जल्दी बताओ। मैं जाऊंगी। चलो मैं भी चल लूंगी फिर, सब जा रहे हैं तो। टीचर ने अगर तेरा फोन देख लेना तुझे इतना मारेगी, और फोन भी ले लेगी तुझसे। अबे कुछ नहीं होगा, तेरे को पता है 12th C की लड़कियाँ ना फोन लेके घूम रही है और मैम के साथ ही पिक क्लिक करवा रही है। मैम कुछ नहीं कह रही है, सबको पता है, सब फोन लाए हैं। हमें राहुल को फोन करके बुला लेती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ बेबी आज ना स्कूल की छुट्टी के बाद गाड़ी लेकर आ जाना, मैं और मेरी फ्रेंड्स ना घूमने जाएंगी। हाँ ठीक है, आ जाएगा। तू अपने बंदे को बुला रही है ना, एक काम करती हूँ मैं भी अपने बंदे को बुला लेती हूँ। हाँ बुला ले फोन। यार मेरा बंदा तो फ्री नहीं होता। शिट यार, मैंने परसों ब्रेकअप करना था, गलती हो गई यार। मेरा तो बंदा ही नहीं है यार, मेरा बंदा तो फोन ही नहीं उठा रहा। पकड़ अपना फोन। कोई नहीं हम लोग चल लेंगे, मेरा बंदा आ जाएगा, ठीक है? अरे अब चलो ना, फोटोज भी खींचते हैं और रील्स भी बनाते हैं, मैम नहीं पकड़ने वाली। चल 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 चल। हाँ चलो सारे चलते हैं। चलो। तो गाइस आज हमारा आखिरी दिन है इस स्कूल में, और आज हमारी फेयरवेल भी है, तो क्या सोचा है तुम लोगों ने? कुछ तूफानी करते हैं। हाँ कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन करेंगे क्या? काम करते चौक के डब्बे चुरा लेते हैं। अरे रोक मचा देते हैं, अरे नहीं नहीं ये मजेदार नहीं है। हमारी तूफानी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि पूरा स्कूल हमें सालों साल याद करे। पूरी जिंदगी बीत गई है स्कूल की फीस भर भर के, और हमने अभी तक ऐसा कोई भी कांड नहीं करा जिससे ये स्कूल वाले हमें याद करे। लड़को तुम बताओ। थम्स अप पी के सब क्लास में मुंह देते हैं। पैसा गया तू। अबे इतना मुंह लाता कहाँ से तू? अरे थम्स अप तभी तो पी रहे हैं। 500 ml तो होता है, और एसिडिटी अलग हो जाती है। नहीं नहीं ये भी बच्चे करते हैं। और कुछ बताओ लड़कियों, तुम बताओ। एक काम करते हैं, सर को जाके प्रपोज कराते हैं। छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता? ये सब हमें नहीं करना है, हमें कुछ तूफान लाना है। तूफान यार तेजस्वी दिमाग ही नहीं चल रहा है, क्या करे? तेरे अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग मत चला, सोच बस। आइडिया, हम ये क्लासरूम बर्बाद कर देंगे। कैसे? हम ये बेंच जो है ना उसे तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। हम ये खिड़कियां भी तोड़ देंगे। हम ये पंखे भी मोड़ देंगे। और इस स्कूल की सारी चीजें चोरी करके चले जाएंगे। चलेंगे। तो गाइस लग जाओ मिशन पे। Everyone, I hope everyone's doing amazing. Everyone's looking amazing as always. I call upon class 12 students to be on stage for a couples dance performance. यार मैं तो ना बहुत nervous हो रही हूँ। पहला performance ही हमारा बोल दिया इस पागल ने। nervous होने क्या जरूरत है? तुम क्यों हो गए? तुम्हें तो डांस आता ही नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो जाके नाच ही करना है। यार डॉली कैसे करेंगे हम? यार तुम लोग ना स्टेज पे ज्यादा चिपकना मत, वरना मैम को ना डाउट हो जाएगा। हाँ सुनाएगी मैम वरना एग्जाम्स में। अरे यार फेयरवेल में तो मौका मिलता है चिपकने का, क्यों जादू? सही बोल रहा है भाई, पागल कहीं के। चलो अब परफॉर्मेंस है यार। अरे एक मिनट, तू ढंग से नाच लियो। मुझे सिखा रहा है ये। तुम भी अच्छे से डांस करना। तुम अपना देखो, मेरे को आता है डांस करना। इसको तो आता ही नहीं है। चलो 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 चल चल चल। यार 11th क्लास के आगे बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। चलो हम जल्दी यहाँ से उतरना यार। यार कितना मजा आएगा ना फेयरवेल वाले दिन, मैं तो डांस परफॉर्मेंस करूंगी। यार तुम मेकअप करके आओगे? नहीं 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 नहीं, स्किन खराब हो जाती है पागल, इतनी अच्छी स्किन है वैसे भी। हाँ यार मेरी तो मम्मी काट डालेगी अगर मैंने मेकअप कर लिया तो। काजल तो लगाने नहीं देती, मेकअप कहाँ से करने देगी? मेरे पास तो मेकअप का सामान ही नहीं है। छोड़ ना, ऐसे करते हैं अच्छी अच्छी ड्रेस पहनेंगे ताकि वैसी अच्छे लगे, हम तो है नेचुरल ब्यूटीज। हाँ। यार मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है, खरीद लाइयो मार्केट से। चिंता मत कर, आंटी के साथ ना शाम को जाके सोम बाजार से ले आइयो कुछ बढ़िया सा। नहीं यार मम्मी ना नई ड्रेस नहीं दिलाएगी, वो भी सड़े से फेयरवेल के लिए, बिल्कुल भी नहीं, कुछ पुराना ही पहनना पड़ेगा। यार बोल दो ताऊ जी के बेटे की शादी है, उसमें पहन लेगी वापस, कोई नहीं मना लियो। ठीक है बात करके देखूंगी मैं। वैसे तो यार मैं ना सूट पहन कर आऊंगी। मैं तो साड़ी पहन कर आऊंगी। यार डोगले मत बनना, मुझे साड़ी पहन रही है तो साड़ी पहन के आइयो, सूट बोल रही है ना तो सूट पहन के आइयो, ऐसे नहीं कि साड़ी पहन लो फिर सूट पहन के आ गए। हम तो नहीं बनेंगे डोगले, तू भी मत बनियो। मैं नहीं बनती, मेरे पास बहुत कुछ है। अरे डोगली नहीं होता, दोगली होता है। जो भी होता है वो मत बनना, ठीक है? और ना तुम तीनों के तीनों पहले ही रंग बदल लेते हो, मेरे को तो बताते भी नहीं। अच्छा ठीक है ना, चलो चलते हैं। चलो यार, आई एम सो एक्साइटेड। यार तुम्हें पता है मैं ना पार्लर से मेकअप करवा कर आई हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? है मेकअप तो दिख नहीं रहा तेरी शक्ल पे, शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी ही है। यार तू वो सब छोड़, तू मेरी ड्रेस देख कितनी बढ़िया ना, कल ही लेके आई हूँ। नहीं वो भी फेयरवेल के लिए। झूठी, तूने तो कहा था कि तूने ड्रेस डिसाइड ही नहीं करी, और तू कोई नई ड्रेस नहीं लेकर आएगी, मम्मी की पुरानी साड़ी पहन के आएगी और अब नई ड्रेस पहन कर आई है। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है? झूठी सरप्राइज नाम की चीज, साफ बोलना चलती है। और तूने? यार वैक्सिंग तो मम्मी ने कराने नहीं दी, इसलिए फुल स्लीव्स पहनी है, लेकिन आईब्रो और अपर लिप्स कराइए देखो। अरे यार वैक्सिंग तो मैं करवा के आई हूँ, देख फर्स्ट टाइम था, बहुत दर्द हुआ। करवाई तो मैंने भी, देख एक भी बाल नहीं है। तुझे क्या हो गया, तू क्यों मुंह बना के खड़ी है? तुम तीनों के तीनों मेकअप करके आए हो, मुझे बताया उस दिन तो तुमने बोला था कि मेकअप नहीं करके आओगे, आप कैसे मेकअप कर रहे हैं? अरे यार शीला देख, बोलने का अलग होता है करने का अलग होता है, और ऑब्वियसली फेयरवेल थी तो सारे मेकअप करके आएंगे ना। यार मेरे को तो मम्मी ने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, मैं तो वैसे ही सुंदर हूँ, नेचुरल ब्यूटी यू नो। और मेरे घर ना मेकअप पड़ा हुआ था और इसने करवा लिया पार्लर से। तू भी कराती, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, 12th पास ही हो ना, बड़े हो गए हम, रोने की ना जरूरत नहीं है, अब हम 12th पास हो गए, फेयरवेल है हमारा, मैच्योर हो जाओ थोड़ा। अच्छा ठीक है मुंह मत बना, एक काम कर, मेरे बैग में ना मेकअप रखा है, आज मैं तेरा मेकअप करती हूँ, चल वॉशरूम में। चल अबे यार ये कोमलेट तो चश्मा ही नहीं लगा के आई आज। अरे दो चुटिया लगा के घूमती थी यार, कितनी घटिया दिखी थी पहले, तो एक नंबर की दिख रही है भाई। पटोला यार, आज तो पप्पी देके जाऊंगा भाई इसको, मैं देख दे। तू पागल है क्या, ऐसे काम करता है तू भी देगा क्या? मैं तो तेरे से पहले दूंगा। नहीं दे रहा। सारी की सारी साथ में खड़ी है। अरे यार शीला को देखियो, ब्लैक साड़ी में तो सुंदर लग रही है। हाँ यार मुन्नी बदनाम हो जाएगी इसके आगे, ऐसा लग रहा है। पता नहीं और भाई उसको देखियो ईशू को, पीले कलर में टट्टी सी लग रही है। अरे गाइस कैसे लग रहे हैं हम लोग? तुम लोग कौन हो? अबे ओ तेजस्वी और काजल, तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड। फालतू ना बकवास मत करो, अभी तो स्कूल भी नहीं खत्म हुआ, पहले भूल गए ये लोग हमें। हमारे दोस्त तो ऐसे थे ही नहीं। अबे ग्लो कहाँ से आ रहा है इनके चेहरे पे? क्या फेरम लवली खा के आई हो क्या तुम दोनों? ये ना बहुत इरिटेटिंग होते हैं लड़के। हाँ, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, खुद तो ऐसे चोमू से बनकर आ जाते हैं। हाँ। यार तुम लोग तो इतने सुंदर लग रहे हो। मेकअप में लड़की सुंदर लगती है क्या? हाँ यार बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। इसने तो कांटेक्ट लेंस भी लगा रखे, देखियो। अरे तू इसको देखना रेड साड़ी में, अरे ये सुंदर लग रही है ब्लैक साड़ी में। अरे दोनों ही सुंदर है भाई। लास्ट दिन सुंदर बन के आई है, पूरे साल तो सड़ी सड़ी से बन के आती है। दो चुटिया पीले ऐसा तेल निकल रहा होता है सरसों का, और यहाँ से तेल गिर रहा है। हाँ तो तुम दोनों भी कौन सा स्मार्ट बन के आते थे, यूं तेल टपक रहा होता था तुम्हारे बालों में से भी, और फालतू ये साइड की मांग निकाल के आते थे ऐसे। मम्मी नहीं करवाते ऐसे करके, ऐसे जैसे तू करके आया। पूरे साल सही लगता था मैं बकवास कर रही हूं। मैं भी थोड़ा थोड़ा। हाँ तो तू तो बैक बेंचर था इसलिए अच्छा तो लगेगा ही ना, सारी लड़कियां वैसे थोड़ी ना तेरे पे फ्लैट है। हाँ पढ़ना तो होता नहीं था, लड़कियां पटानी होती थी इसको। पूरे साल इसने कराई यही है। तो बनेंगे नहीं, लास्ट डे है, टोरा तो दिखाना पड़ेगा ना स्कूल में। लड़कियां भी तो ताड़नी है, टोरा देखेंगे नहीं क्या वहाँ। अबे ओ फालतू में क्यों चैक मार के रहे हो, तुम्हें ना कोई भाव भी नहीं दे रहा और इतना बोल रहे हो। भाव की कह रही है, नंबर दे के गई है पहले। अरे वो आई थी पीले सूट वाली, क्या नाम है उसका? ईशी। ईशी आई थी, नंबर दे गई है। अबे ओ 12th B की ईशू है वो, ईशी नहीं है कोई। हाँ जो भी इशू 12th B जो भी उसका। वैसे यार आज स्कूल का ना लास्ट डे है हमारा, और हम ना तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और हाँ एक और बात, स्कूल के बाद दोस्ती मत तोड़ना, क्योंकि मेरी बहन बता रही थी जब 12th क्लास खत्म हो जाती है ना, तो जब दोस्त लोग अलग हो जाते हैं तो सारे भूल जाते हैं, कोई ये वादे कसमें कुछ काम नहीं आता, सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं और हम लोगों को तो भूल ही जाते हैं। मैं नहीं चाहती हम लोगों के बीच में ऐसा हो, क्योंकि हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, हमें ना एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ ये सही है, प्रॉमिस। अबे यार कर लेते हैं प्रॉमिस, पूरे साल से आज इतनी अच्छी लग तो रही हैं। ये दोनों इतना सोच क्यों रहे हैं, पागल हो गए। जल्दी हाथ रखो ना। हाँ, मेरा मन प्रपोज करने का कर रहा है इन दोनों का। मेरा भी कर रहा है वैसे तो। अबे ओ प्रपोज करने की सोचना भी मत, ऐसी कोनी मारूंगी ना तेरे मुँह पे, दांत टूट जाएंगे तेरे। हम दोनों ना तुम दोनों की दोस्त है तो दोस्त बन के रहो। हाँ तो पहले दोस्ती होती है, फिर उसके बाद होता है क्या होता है? प्यार 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 प्यार। यार वैसे स्कूल की बहुत याद आएगी। हाँ याद तो बहुत आएगी यार इस स्कूल की। अरे वो क्या इमोशनल हो रहे हो तुम? अबे तू कहाँ से आ रहा है? अरे वो मैं रोज इसी दीवार से आता हूँ, ये मेरी लक्की दीवार है, इस दीवार से तो मुझे प्यार हो गया, माँ यही मेरा फ्यूचर बनाएगा देखियो। अबे ओ ये दीवार ना कोई फ्यूचर नहीं बनाने की, अब तेरा पूरे साल तो इसी दीवार को कूद के गया है, अब एक दिन कूद के अंदर आ गया, अब सोच रहा है कि ये दीवार तेरा फ्यूचर बना देगी। दरवाजा खुला था ना शरीफों की तरह, आज तो दरवाजे से आ जाता। अरे बना भी देगी, क्योंकि चुनाई और पुताई का काम करेगा ना दीवारों पे। पूरा साल तो पढ़ा नहीं, अब यही करेगा। चलो यार स्कूल देखते हैं अपना। अरे हाँ मेरे को और डेस्क और दीवारें भी तो देखनी है, कूदना है ना मेरे को। हाँ तू वही कर सकता है पूरी जिंदगी भर। हाँ चलो चलो देखते है, सारी यादें ताजा हो जाएंगी। सबको बुला लेते हैं, चलो चलो। खोई खोई आंखों में जो मीठे मीठे सपने, क्या ये दिल करे हमको चबाते जाए, सबको बताते जाए अपनी हसरतें। हम तो नहीं सोचेंगे, हम भी कर सही, स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 ना। थ्योरी में कमजोर है प्रैक्टिकल चैंपियन, बनने से जो हो ना हो टीचर से प्यार हो, दर बार घर छोड़े जो भी मिले उसे छेड़े, मस्ती में चले, साइंस पढ़े आर्ट्स पढ़े, दिन पढ़े रात पढ़े, कुछ भी ना पढ़े। हम तो नहीं सोचेंगे, हम भी कभी स्कूल के ये दिन सभी आएंगे ना 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 ना। यादों के पुराने एल्बम में बचा के रखे हैं हमने वो दिन, और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन, भी क्या दिन थे, बिगड़े हुए इंसान थे वो यार ही तो जान थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। गाइस तो कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल सीन कौन सा लगा। ये तो सारे सीन मेरे स्कूल लाइफ के थे, मेरे को तो बड़ा मजा आया शूट करने में, सारी यादें ताजा होगी। तो आपकी कौन कौन सी यादें ताजा हुई है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, लव यू।